हे गाइस, गिज़्मोडिक्ट हियर। और आज हम करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन Realme 2 Pro और Honor 8X के बीच में। इन दोनों फोन्स के बीच काफ़ी झगड़ा चालू है। आप ऑनलाइन किधर भी जाके देखो तो Realme के फैंस Honor 8X को गालियाँ दे रहे हैं, Honor 8X के फैन Realme को गालियाँ दे रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेहतर है, इस वीडियो में हम वो क्लियर आउट कर देंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इन दोनों फ़ोन्स के कैमराज और काफ़ी दूसरे फ़ोन से भी कंपेयर करने वाला हूँ, जैसे कि Zenfone Max Pro विद गूगल कैमरा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ताकि आप मिस ना करें वो सब वीडियोज़। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो Realme 2 Pro पर आपको एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। उसी तरफ Honor 8X की बात करें तो यहाँ पर एक 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और वन सेकेंड 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, और आगे की तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों ही फोन्स की कैमरा सॉफ्टवेयर काफी ईजी है यूज करने के लिए, पर Honor 8X में आपको ऑटो HDR मोड नहीं मिलता, यहाँ पर आपको एक AI मोड मिलता है। और अगर आपको HDR यूज करना है तो आपको कैमरा के मोड्स में जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरफ Realme 2 Pro पर ऑटो HDR है, बट ये उतना अच्छे से काम नहीं करता और काफी टाइम्स मुझे इसे मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। पर वो सब बातें तो ठीक है यार, इन फोन्स का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है? सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डे लाइट में लिए गए फोटोज, और ये दोनों फोन्स इतने क्लोज है कि मुझे आधे घंटे तक इनके कैमरा सैंपल्स को ध्यान से देख के कंपेयर करना पड़ा था कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। वैसे तो ये दोनों फोन्स काफी क्लोज है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको सिमिलर ही लगेंगे फोटोज, और दोनों ही बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बट ठीक है, अब डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Realme 2 Pro पर कलर्स बेटर है, इसमें शेडोज भी बेटर है, और अगर आप एक्चुअल सीन से कंपेयर करेंगे तो Realme 2 Pro का कलर रिप्रोडक्शन नेचुरल है Honor 8X के कंपैरिजन में। Honor 8X थोड़े कलर्स को सैचुरेट कर देता है और ये ब्लूज और ग्रीन्स को थोड़ा ज़्यादा फेवर करता है। मैंने ये सब फोटोज 12 बजे खींचे थे दोपहर को, तो सनलाइट बहुत ही स्ट्रांग थी और Realme 2 Pro से अच्छी तरह से कैप्चर करता है। और एक चीज़ जो मुझे Realme 2 Pro की अच्छी लगी वो ये है कि इसमें f1.7 का एपर्चर है, तो अगर आप मैक्रो फोटोज लेंगे तो आपको बोके इफेक्ट अच्छा सा मिलेगा। Honor 8X पर f1.8 है, तो ये उतना स्ट्रांग नहीं है Realme 2 Pro जितना, बट फिर भी Honor 8X में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो अगर आप फोटोज़ को जूम करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है Realme 2 Pro के कंपैरिजन में। तो हाँ, 19-20 का फ़र्क है दोनों के कैमराज में डे लाइट में, तो मुझे तो दोनों अच्छे लगे, बट Realme 2 Pro थोड़ा बेटर है कलर रिप्रोडक्शन में। Honor 8X पर जैसा मैंने कहा एक AI मोड भी है, तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे कलर्स को काफ़ी सैचुरेट कर देता है। ये कभी कभी अच्छा लगता है, बट फिर कभी कभी ये बहुत ही अननेचुरल लगता है, तो ये हमेशा काम नहीं करता। मेरे हिसाब से 50% सिनेरियोज में काम करता है। तो आपको कौन से फोटोज अच्छे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम आ जाते हैं इंडोर यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग में, और यहाँ पर वंस अगेन Realme 2 Pro का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। Honor 8X कभी कभी काफ़ी ओवर सैचुरेट कर देता है कलर्स को, और ये थोड़ा अननेचुरल लगता है। तो हाँ, Realme 2 Pro मुझे ज़रा ज़्यादा बेटर लगा कलर रिप्रोडक्शन और वाइट बैलेंस में। बात करें एक्सट्रीमली डिमली लिट कंडीशंस की, तो दोनों ही फोन्स उतने अच्छे नहीं है यार, दोनों का परफॉर्मेंस खराब है लो लाइट में। और अगर हम इसे Zenfone Max Pro विद गूगल कैमरा से कंपेयर करें तो वो फोन ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, एकदम लो लाइट में दोनों ही फोन्स उतने अच्छे नहीं है। बात करते हैं रियर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर मुझे 50-50 लगा परफॉर्मेंस। अगर हम डे लाइट में बात करें तो Honor 8X डेफिनेटली बेटर है, Realme 2 Pro थोड़ा सॉफ्ट लगता है। उसी तरफ अगर हम इंडोर लाइटिंग में देखें तो मुझे Realme 2 Pro ज़्यादा बेहतर लगा। तो हाँ, रियर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में तो ये टाई ही है। तो ओवरऑल अगर मैं रियर फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो 19-20 का फर्क है दोनों फोन्स के कैमरा में। Realme 2 Pro थोड़े ज़्यादा नेचुरल कलर्स दिखाता है, Honor 8X थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स दिखाता है। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अब हम आ जाते हैं सेल्फीज पर, और इसमें तो भाई Honor 8X ही डेफिनेटली विनर है। अगर आप ध्यान से फोटोज को जूम करके देखेंगे तो Realme 2 Pro पर एज डिटेक्शन काफ़ी खराब है। ये सेम प्रॉब्लम मुझे Realme 1 पे भी
हुई थी और इन्होंने ये अभी तक फिक्स नहीं किया। उसी तरफ ऑनर 8X पे एज डिटेक्शन काफी ज्यादा बेटर है, तो सेल्फीज में तो ये फोन ही विनर है। स्पेशली अगर आप बहुत सारे सेल्फीज पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं तो ऑनर 8X डेफिनेटली विनर है यार, आप क्लियरली देख सकते हैं फोटोज में। तो हाँ, सेल्फीज में मेरे लिए यही फोन विनर है। बात करते हैं वीडियो की, तो ऑनर 8X पर आप सिर्फ फुल HD वीडियोस दे सकते हैं 60fps तक, और Realme 2 Pro पर आप 4K तक ले सकते हैं, बट इसमें कोई 60fps का ऑप्शन नहीं है। दोनों ही फोन्स के वीडियो आउटपुट ठीक ठाक है, उतने कुछ खास नहीं है कंसिडरिंग दूसरे फोन्स जैसे कि Zenfone Max Pro और Redmi Note 5 Pro को EIS मिलता है ये सेगमेंट में। ये फोन्स में EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो वीडियो उतना स्टेबल नहीं लगता। तो हाँ, वीडियो क्वालिटी डिसेंट है दोनों फोन से। तो हाँ, अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से इस कैमरा कंपैरिजन का विनर ऑनर 8X है, क्योंकि रियर फेसिंग कैमरा में तो 19-20 का फर्क है, बट फ्रंट फेसिंग कैमरा में ये फोन काफी बेटर है Realme 2 Pro से। Realme क्या कर रहा है यार पोर्ट्रेट मोड में मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम Realme 1 पे भी था और इन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किया, जो काफी दुख की बात है। तो हाँ यार, अगर आप बहुत सारे सेल्फीज खींचते हो तो Realme 2 Pro अभी मत लेना, आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा, Honor 8X बेटर होगा वो डिपार्टमेंट में। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई और आपको पता चल गया है कि किस फोन का कैमरा ज्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट्स में पूछो, या फिर मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दो, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन में वापस आऊँगा। थैंक यू।